दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के दर्शकों के लिए आज एक अच्छी खबर नहीं है। कव्वाली के क्षेत्र में आसमान रचने वाले गुलाम साबिर निज़ामी आज हमारे बीच नहीं रहे। दो भाइयों की जोड़ी गुलाम साबिर और गुलाम वारिस निज़ामी सिकंदराबाद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आज गुलाम साबिर का निधन हो गया। निज़ामी ब्रदर्स के नाम से मशहूर दुनिया भर में अपनी कव्वाली का परचम लहराने वाले गुलाम साबिर और वारिस निज़ामी ने कव्वाली को एक नया आयाम दिया। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से उनका नाता बहुत पुराना है। मुझे याद है 2012 में जब दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण दुनिया में आया तो मैंने उनसे कहा, आपका बेटा फैज़ा निज़ामी जो एक बहुत उभरता हुआ शानदार कव्वाल है, मैं उसे अपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाना चाहता हूँ। उनके बेटे ने हमारे यहाँ परफॉर्म किया और उसके बाद मैंने उनसे गुजारिश की कि आने वाले कुछ एडिशंस में आप भी हमें अपने दर्शन दीजिए। मैं बहुत गर्व और घमंड के साथ कहना चाहता हूँ कि गुलाम साबिर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दो एडिशंस में वो गुलाम वारिस के साथ मंच पर आए और उन्होंने समा बांध दिया। मुझे याद है NDMC कन्वेंशन सेंटर क्रॉट प्लेस में हमारा फेस्टिवल हो रहा था और जब गुलाम साबिर वारिस साहब के साथ कव्वाली के लिए वहाँ उतरे तो बहुत कम दर्शकों के बीच उन्होंने गाया। उन्होंने कहा, लोग बहुत कम हैं। मैंने कहा, आप हमारे साथ रहिए, अगली बार हम बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करेंगे। गुलाम साबिर ने मुझसे कहा, यह प्रोग्राम तो सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में होना चाहिए। मैंने कहा, आपसे वायदा रहा कि एक बार फिर आप हमारे साथ इस मंच पर गाएंगे। लेकिन कोरोना आ गया और पूरी दुनिया में एक रोड़ा अटक कर रह गया। दुनिया के सारे कार्यक्रम रुक गए और अब जब कोरोना अपनी अंतिम दिशा में है तो हमारे साथ गुलाम साबिर नहीं रहे। गुलाम साबिर और वारिस निज़ामी की जोड़ी बेशक टूट गई है, लेकिन उनके तीन बेटे अभी भी निज़ामी जूनियर निज़ामी बंधु के नाम से कव्वाली की दिशा में एक नया आयाम रच रहे हैं। गुलाम साबिर साहब के लिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से ढेर सारी श्रद्धांजलि। वो जहाँ भी रहें ऊपर वो अपना मुकाम वहाँ से देखते रहें कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से। हाँ दोस्तों, ये चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं खासतौर से। हाँ मैम, तवज्जो के बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना। बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना, देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला। देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला, मत रखना और तुमको जन्नत ही में जाने की तमन्ना है अगर स्वर्ग में। तुमको जन्नत ही में जाने की तमन्ना है अगर अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। कहते हैं भैया ये सिस्टम था, कहते हैं कि सारी फितरत तो नकाबों में छुपा रखी थी, सारी फितरत तो नकाबों में छुपा रखी थी और सिर्फ तस्वीर उजाले में लगा रखी थी, सिर्फ तस्वीर उजाले में लगा रखी थी और मेरी गर्दन पे थी तलवार मेरे दुश्मन की, मेरी गर्दन पे थी तलवार मेरे दुश्मन की, मेरे बाजू पे मेरी मां की दुआ रखी थी। मेरे बाजू पे मेरी मां की दुआ रखी। हाँ
तो हंसते हैं, मैं फिल्म तो हंसते हैं।
जेब में हाथ मत डाल, पहले शेर सुन ले।
नहीं क्या है, फिर बना लूंगा। कहने को तो कह दूं, हाँ सर, कहने को तो कह दूं कि जला कुछ भी नहीं है, कहने को तो कह दूं कि जला कुछ भी नहीं है, सच्चाई मगर यह है बचा कुछ भी नहीं है। सच्चाई मगर यह है बचा कुछ भी नहीं है, क्यों? आग की सबसे आग से बच के जो सामान बचा था घर का, आग से बच के जो सामान बचा था घर का, लूट के ले गए सवाल बुझाने वाले। और इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं, इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं, इस बात का, इस बात, इस बात, इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं, इस बात का रोना है, इस बात तो नहीं है लेकिन बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इनको भी कुछ दिया जाए। हिंदुस्तान के मशहूर शायर राव इंदौरी फरमाते हैं कि तलवार को फिसारू तो जमजम टपकी,